साल 2022 बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रहा है। इस साल जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक बॉलीवुड की कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन इन फिल्मों में देखा जाए तो कुछ ही फिल्में ऐसी रही है जिन्होंने बॉलीवुड को कुछ हद तक संवारा है। आने वाले 3 महीनों में लगभग 29 फिल्में रिलीज होने वाली है जिनसे बॉलीवुड को काफी उम्मीदें है। अब ये तो वक्त ही बताएगा इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड में झंडे गाड़ती है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। जी, आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस साल की अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। कौन सी है ये फिल्में और कौन है इन फिल्मों के डायरेक्टर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अब सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। अक्टूबर महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों की हम बात करें तो इस महीने में कुल 15 फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें 5 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म व्हाइट का नाम पहले आता है। इस फिल्म को डायरेक्ट महेश मांजरेकर जी ने किया है। अभी तक इस फिल्म की कास्टिंग को रिवील नहीं किया गया है। 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्मों की हम बात करें तो इस दिन कुल 4 फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें पहले नंबर पर आती है पारिवारिक कॉमेडी फिल्म गुड बाय। इस फिल्म की कहानी पारिवारिक रिश्तों पर बेस है। इस फिल्म को डायरेक्ट विकास बहल ने किया है और इस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंडाना और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 7 अक्टूबर 2022 को दूसरी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म हिंदुत्व का। इस फिल्म को डायरेक्ट करण राजदान ने किया है और इस फिल्म में हमें आशीष शर्मा, सोनारिका शर्मा और अंकित राज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 7 अक्टूबर 2022 को तीसरी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म नजरअंदाज का। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अंधा होता है और वो अपने आखिरी दिनों में अपना बचपन जीना चाहता है, जिसमें उसकी मदद उसके घर काम करने वाले 2 नौकर करते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट विक्रांत देशमुख ने किया है और इस फिल्म में हमें कुमुद मिश्रा, अभिषेक बैनर्जी और दिव्या दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 7 अक्टूबर 2022 को चौथी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म चक्की का। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी छोटी सी कंपनी खोलना चाहता है, लेकिन बिजली विभाग उसे 1 लाख का बिल भेज देती है। अपनी बिजली वापस लाने के लिए वो किस तरह सिस्टम को पैसे खिलाता है और किस तरह सिस्टम उसका शोषण करता है, इसी विषय पर ये फिल्म बेस है। इस फिल्म को डायरेक्ट सतीश मुंडा ने किया है और इस फिल्म में हमें राहुल भट्ट, प्रिया बापट और श्रीकांत वर्मा मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार के 14 अक्टूबर 2022 को कुल 8 फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें पहली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है कॉमेडी फिल्म डॉक्टर जी का। इस फिल्म को डायरेक्ट अनुभति कश्यप ने किया है और इस फिल्म में हमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत, शेफाली शाह और शिवा चड्डा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर यही कहा जा रहा है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो सकती है। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म डबल एक्सल का। इस फिल्म को डायरेक्ट सतराम रवानी ने किया है और इस फिल्म में हमें उमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म के ट्रेलर से ऐसा लगता है ये फिल्म साल 2016 में आई मराठी फिल्म वजनदार का रीमेक है, लेकिन अब ये तभी पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होंगी। 14 अक्टूबर को तीसरी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म लव यू लोकतंत्र का। इस फिल्म को डायरेक्ट अभय नीलानी ने किया है और इस फिल्म में हमें ईशा कोपीकर, रवि किशन, नेहा उल्ला और मनोज जोशी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 14 अक्टूबर को चौथी रिलीज होने वाली फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है तारा वर्सेस बिलाल का। इस फिल्म को डायरेक्ट समीर इकबाल ने किया है और इस फिल्म में हमें हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 14 अक्टूबर को 5वीं रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म मोदी जी की बेटी का। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट एडी सिंह ने किया है। इस फिल्म में हमें पारितोष त्रिपाठी, विक्रम कोचर और अवनी त्रिपाठी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 14 अक्टूबर को 6ठी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म कोड नेम तिरंगा का। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे रिबुदास गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में हमें परिणीता चोपड़ा, शरद खेड़कर और शरद कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
14 अक्टूबर को 7वीं रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म कहानी रुबेर बनकी का। इस फिल्म को डायरेक्ट सारिका संजोद ने किया है और इस फिल्म में हमें प्रतीक गांधी, अविका गौर और अरुण ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 14 अक्टूबर को 8वीं रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म ए जिंदगी का। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट अनिर्बा बोस ने किया है। इस फिल्म में हमें रेवती, सत्यजीत दुबे और मृणमयी गोडबोले मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अब बात करते हैं दिवाली के दिन रिलीज होने वाली दो फिल्मों की। 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्मों में पहली फिल्म आती है अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट अभिषेक शर्मा ने किया है। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 25 अक्टूबर को दूसरी रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म थैंक गॉड का। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट इंदर कुमार ने किया है। इस फिल्म में हमें अजय देवगन, रकुल प्रीत और सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब बात करते हैं नवम्बर महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। इस महीने कुल 7 फिल्में रिलीज होने वाली है जिनमें 4 नवम्बर 2022 को 2 फिल्में रिलीज होंगी। 4 नवंबर को रिलीज होने वाली पहली फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म फोन बुथ का। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट गुरमीत सिंह ने किया है। इस फिल्म में हमें कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी और जॉकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 4 नवंबर को रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म कुत्ते का। इस फिल्म को डायरेक्ट असमन भरद्वाज ने किया है और इस फिल्म में हमें अर्जुन कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, नसरुद्दीन शाह, राधिका मदन और तब्बू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 11 नवंबर 2022 को 2 फिल्में रिलीज होंगी जिनमें पहली फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म रॉकेट गैंग का। इस फिल्म को डायरेक्ट बास्को मार्टिस ने किया है और इस फिल्म में हमें आदित्य सेल, निकिता दत्ता और साहिल खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 11 नवंबर को रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म ऊंचाई का। ये फिल्म एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट सूरज बड़जात्या ने किया है। इस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, परिणीता चोपड़ा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अक्सर फैमिली ड्रामा फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या इस बार कुछ अलग कंसेप्ट पर फिल्म ला रहे हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा उन्होंने इस फिल्म में दर्शकों के लिए क्या रखा है। अब बात करते हैं नवंबर महीने के तीसरे शुक्रवार की। इस हफ्ते भी 2 फिल्में रिलीज होने जा रही है जिसमें पहली फिल्म का नाम आता है 18 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म भीड़ का। इस फिल्म को डायरेक्ट अनुभव सिन्हा ने किया है और इस फिल्म में हमें राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर और दिया मिर्जा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 18 नवंबर को रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म दृश्यम 2 का। इस फिल्म का इंतजार बॉलीवुड में सभी को है। इस फिल्म के पहले पार्ट को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये फिल्म मलयालम फिल्म का रिमेक थी और दृश्यम 2 भी मलयालम फिल्म का ही रिमेक होंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट अभिषेक पाठक ने किया है और इस फिल्म में हमें अजय देवगन, अक्षय खन्ना, तब्बू और श्रेया सरन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 25 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म भेड़िया इस महीने की 7वीं रिलीज फिल्म होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट अमर कौशिक ने किया है और इस फिल्म में हमें वरुण धवन, कीर्ति सेनन और अभिषेक बैनर्जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। भेड़िया फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। अब बात करते हैं दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों की। दिसंबर महीने की हम बात करें तो इस महीने कुल 7 फिल्में रिलीज होने वाली है। 2 दिसंबर साल 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म पीपा का। ये फिल्म वॉर ड्रामा पर बेस होंगी और इस फिल्म को डायरेक्ट राजा कृष्णन मेनन ने किया है। इस फिल्म में हमें ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर और सोनाली राजदान मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म एन एक्शन हीरो का। इस फिल्म को डायरेक्ट अनिरुद्ध अय्यर ने किया है और इस फिल्म में हमें आयुष्मान खुराना और जयदीप अहवालत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 9 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म मारिज इस हफ्ते की एक ही फिल्म होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट ध्रुव लथेर ने किया है और इस फिल्म में हमें नसरुद्दीन शाह, तुषार कपूर और सरिता कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब बात करते हैं क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्मों की। 23 दिसंबर 2022 को कुल 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराएंगी जिनमें पहली फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म सर्कस का। इस फिल्म को डायरेक्ट रोहित शेट्टी ने किया है और इस फिल्म में हमें रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस और वरुण शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म रोहित शेट्टी की सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों की तरह ही होगी।
23 दिसंबर को दूसरी बड़ी रिलीज फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म गणपत का। इस फिल्म को डायरेक्ट विकास बहल ने किया है और इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होंगी। 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली तीसरी बड़े बजट की फिल्म की हम बात करें तो उसमें नाम आता है फिल्म मेरी क्रिसमस का। इस फिल्म को डायरेक्ट श्रीराम राघवन ने किया है और इस फिल्म में हमें साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अब बात करेंगे साल की आखिरी रिलीज होने वाली फिल्म की। 30 दिसंबर साल 2022 को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट फराज सामजी ने किया है और इस फिल्म में हमें सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और राघवन जुयल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो ये थी अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली फिल्मों के नाम। आप इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है तो उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसे ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।